Good morning children. So today is the first class of mathematics of class 3 and the lesson is where to look from. Before I start the lesson, I'll just want to tell you that what important things we are going to study in this lesson. The first thing which we are going to study is about shapes. The first thing which we are going to study in this lesson is about shapes. And the second important thing, the symmetry related to these shapes. So, what is symmetry? We will be defining it later on. First, let us revisit the topics which we have already studied in class 1 and 2. You already know about different shapes. So, let us discuss about the shapes. Now, you all have seen this shape. You call it as a ball also. It is a ball shape. Okay? This shape is a ball kind of a shape. So, if you have got such shape, you call it as a ball. Suppose I keep it here, you can see there is a projection. So, this kind of shapes are called as three-dimensional shapes. जो मेरे पूरे दोनों हाथों में हम ऐसे पकड़ सकते हैं और इसको बोर्ड पे वगैरह हम चिपका नहीं सकते. It is not flat. It is totally three-dimensional. These shapes are called as three-dimensional shape. So, a ball is a three-dimensional shape. So, I write it as 3D shape. Okay. Dimensions के बारे में very clearly I'll tell you later. Now you can see this is a box. A box is also a three-dimensional shape. It is not a two-dimensional shape. It is again a three-dimensional shape. This box is also called as cube. जिसमें सारे square की तरह दिख रहे हैं. कितने सारे faces हैं और सब फेस इसके स्क्वायर है तो इसको हम क्यूब बोलते हैं. सो ये क्यूब जो होता है दिस इज ऑल्सो अ थ्री डायमेंशनल शेप. नाउ यू माइट हैव ऑल्सो सीन सच शेप, जोकर्स कैप शेप इन द फॉर्म ऑफ जोकर्स कैप. दिस इज अगेन अ थ्री डायमेंशनल शेप. ओके, सो इफ यू सी फ्रॉम डिफरेंट व्यूज यू कैन सी डिफरेंट शेप्स. ऐसे देखोगे तो ट्रायंगल की तरह दिखेगा, ऐसे देखोगे तो सर्कल की तरह दिखेगा. सो थ्री डायमेंशनल शेप के जो अलग अलग शेप्स हमें दिखते जाएंगे अगर अलग अलग साइड से देखोगे तो. आपने ऐसे भी शेप देखा है, यहां से देखोगे तो सर्कल, यहां से देखोगे तो रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है लेकिन गोल है. ये साइड भी गोल है आपका पेंसिल की तरह. सो इस शेप को हम कहते हैं सिलेंडर. आपके घर में कुकिंग सिलेंडर भी आपने देखा होगा. सो उसका शेप जो होता है वो सिलेंडर है. जनरली हमारे पास अपने वाटर बॉटल्स होते हैं वो सिलेंडर शेप के होते हैं. ठीक है, ये हो गए थ्री डायमेंशनल शेप. ये सब जो शेप्स मैंने दिखाया है ये हो गए थ्री डायमेंशनल शेप्स. आपने क्लास 1 और 2 में पढ़ा है इस टाइप के शेप्स जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं. अगर ऐसे देखोगे तो बिल्कुल एक लाइन सी नज़र आती है और ऐसे देखोगे तो ये सर्कल की तरह नज़र आ रहा है. तो ये बिल्कुल फ्लैट शेप है. इसको चाहे तो हम बोर्ड पे या पेपर पे चिपका सकते हैं आसानी से, गिरेगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है. ऐसे फ्लैट शेप्स को हम टू डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे टू डायमेंशनल शेप्स आपने ऑलरेडी स्टडी किया है. इसका नाम है सर्कल, CIRCLE सर्कल. ये है ट्राइंगल बिकॉज इट हैज गॉट 1, 2, 3. 3 के लिए हम ट्राई वर्ड यूज कर रहे हैं. तीन एंगल बने हुए हैं, तीन कोने बने हुए हैं, इसीलिए दिस शेप इज कॉल्ड एज ट्राइंगल. यू हैव लर्नड अबाउट दिस शेप ऑल्सो. Again, from here it look very flat and thin, whereas here you can see
four equal sides. Such shape is called as a square. Square नहीं, square. S Q U A R E, square. And you have already learnt about this shape too. This is called a rectangle. See, you can see it is very flat. And from here, two sides are smaller, two sides are bigger. Such shape, आपका मोबाइल का शेप हो गया, मोबाइल का फेस का शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप नजर आता है. ठीक है, अब थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में फर्क क्या है? अगर आपको फर्क जानना है इन दो चीजों में, आप देख सकते हो इसको कैसे भी घुमाओ ये फ्लैट नजर नहीं आएगा, लेकिन ये टू डायमेंशनल वाला एक फ्लैट होगा, ये फ्लैट नहीं होगा. सो जो फ्लैट नहीं है वो थ्री डायमेंशनल हो गया, इसीलिए हम 3D शेप कहते हैं इसे. टू डायमेंशनल वाला फ्लैट होता है तो 2D शेप होते हैं. ये स्फीयर या फिर बॉल शेप है और ये सर्कल है. बॉल और सर्कल में फर्क है, बॉल सर्कल नहीं होता और सर्कल बॉल नहीं होता. लेकिन इसी सर्कल को, सॉरी इसी बॉल को अगर हम यहाँ पे ट्रेस करेंगे, बोर्ड पे ट्रेस करेंगे बॉल रखकर, ऐसे अगर मैंने बॉल रखकर इसको ट्रेस करने की कोशिश करी, तो ये लगभग एक सर्कल के शेप में आता है. जब हम थ्री डायमेंशनल शेप का ट्रेसिंग करते हैं तो वो ट्रेसिंग टू डायमेंशनल बन जाता है. सो थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में यही फर्क है. जब 3D को हम कहीं पे ट्रेस करते हैं और शेप बनाते हैं, वो बन जाएगा 2D शेप. ये सर्कल है लेकिन ये सर्कल नहीं है. तो जो भी हम पेपर पे बना रहे हैं वो जनरली टू डायमेंशनल शेप बन जाता है. लेकिन अगर आप फील कर सकते हो तीनों साइड में भरा भरा सा, तो ये हो जाएगा 3D शेप. इसको हम बॉल शेप या फिर मैथ्स में स्पीयर शेप भी कहते हैं. SPHERE, स्पीयर शेप और बॉल शेप. सिमिलरली इफ आई टेक दिस टू लुक एट, दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल बट इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि यहां से देखोगे ये सर्कल है, लेकिन वही ये रेक्टेंगल यहां से देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट बन जाता है. सो इन दोनों चीजों में फर्क आप देख सकते हो. तो ये वाला हो गया कोन, इसको हम कहते हैं कोन. जोकर स्कैप जो होता है इसका नाम है कोन, इसका नाम है ट्रायंगल. कोन और ट्रायंगल में बहुत फर्क है. कोन थ्री डायमेंशनल होता है, ट्रायंगल टू डायमेंशनल होता है. इसमें थिकनेस बिल्कुल नहीं होता, पतला सा होता है, फ्लैट होता है. सो इसको हम ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन इसको हम ट्रायंगल नहीं कहते. लेकिन जब इसको हम ट्रेस करते हैं, ट्रेस करेंगे तो इसका शेप भी ट्रायंगल की तरह बन गया. जो कोन को अगर हम बोर्ड पे या पेपर पे ट्रेस करेंगे तो जो ट्रेस किया हुआ शेप है ये है ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है, इसे हम कोन कहेंगे. इसी तरह अगर आप ये वाला शेप देखोगे और ये वाला शेप देखोगे, लगभग दोनों ऐसे ही रेक्टेंगल जैसे लगते हैं. अगर मैं इसको यहां पे ट्रेस करूंगा, तो ये रेक्टेंगल शेप बन गया, लेकिन ये रेक्टेंगल है नहीं, ये रेक्टेंगल है. यहां देखो ये सर्कल की तरह दिख रहा है, लेकिन ये अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो बिल्कुल फ्लैट बन जा रहा है. ये हो गया रेक्टेंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है. इस शेप को हम कहते हैं सिलेंडर और ये है रेक्टेंगल. तो इन शेप में फर्क करना हमें आना बहुत जरूरी है. इसी तरह ये दो शेप देख ले, ये अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो ये दोनों लगभग स्क्वायर की तरह नजर आते हैं,
लेकिन अगर मैं इनको टर्न करूंगा, एक बिल्कुल फ्लैट बनता है, ये फ्लैट नहीं बन रहा, ये फिर से स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो ये हो गया 3D शेप और ये हो गया 2D शेप। इसका नाम है क्यूब, इसका नाम है स्क्वायर। इस क्यूब को अगर हम ट्रेस करेंगे, तो यहां जो शेप बन रहा है ये स्क्वायर है, लेकिन ये डब्बा या बॉक्स स्क्वायर नहीं है। तो इन बेसिक शेप्स को हमें समझना जरूरी है। सो किसी भी 3D शेप को हम अलग अलग नजर से देखते हैं या अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो हमें अलग अलग नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आप ये बताएं कि ये कौन सा शेप आपको दिख रहा है, तो बॉटल का जो बॉटम है ये सर्कल का शेप का है, लेकिन बॉटल सर्कल शेप नहीं है। सिर्फ बॉटल को अगर हम नीचे से देखें, बॉटम व्यू, अगर इसका किसी बॉटल का बॉटम व्यू देखें तो हमें सर्कल की तरह नजर आएगा। वही टॉप व्यू देखें तो दो सर्कल, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, दो सर्कल की तरह नजर आ रहा है। जबकि ऐसे देखें तो एक रेक्टेंगल शेप नजर आ रही है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं किसी चीज को, किसी 3D चीज को, तो वो हमें अलग अलग 2D शेप बन के नजर आता है। जैसे मैंने कहा, बॉटल का बॉटम व्यू जो है वो सर्कल है, लेकिन बॉटम का फ्रंट व्यू जो है वो एक रेक्टेंगल शेप बनता है। इसी तरह अगर हम ये क्यूब ले लें, क्यूब को कहीं से भी आप देख लो, फ्रंट से देखो तो भी आपको स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर आप हम ऐसे ऊपर से देखेंगे, ये मैंने टी लिखा है, टी फॉर टॉप, ठीक है, और ये एफ फॉर फ्रंट, फ्रंट से देखेंगे तो भी हमें स्क्वायर नजर आ रहा है, टॉप से देखेंगे तो भी स्क्वायर नजर आ रहा है, और यहां साइड, साइड से ऐसे घुमा के देखेंगे तो भी स्क्वायर नजर आ रहा है। तो एक क्यूब का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तीनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें स्क्वायर नजर आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा एंगल बना के देखें तो हमको इस तरह नजर आ रहा है, ये देखो ऐसा वाला शेप नजर आएगा। तो ये उसका एंगुलर पर्सपेक्टिव है। तो अलग अलग जगह से हम देखते हैं तो अलग अलग नजर आते हैं। ये 3D शेप को अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो 2D शेप की तरह नजर आएगा, और वो 2D शेप का नाम है स्क्वायर, जबकि ये क्यूब 3D शेप है। इसी तरह ये कोन, कोन को अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ट्रायंगल की तरह नजर आएगा, बॉटम से देखेंगे तो बिल्कुल सर्कल की तरह नजर आएगा, और यहाँ फ्रंट टॉप से देखेंगे तो ये फिर से एक सर्कल की तरह नजर आ रहा है। तो अलग अलग व्यूज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक 3D चीज 2D शेप में कैसे नजर आती है। ये इस लेसन का सबसे पहला चीज हमें सीखने लायक है। फर्स्ट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन अबाउट 2D एंड 3D शेप्स, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड 3D शेप्स, एंड दैट व्हेन वी ट्रेस अ 3D शेप ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ओके, वी विल गेट द शेप ऑफ अ 2D शेप। 2D शेप फ्लैट होते हैं, 3D शेप फ्लैट नहीं होते। ये सबसे बड़ा फर्क है जो आपको समझना है। तो ये फर्स्ट पार्ट लेसन का मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। इसी तरह आपको एक छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आप बना सकते हैं एक चेयर, अगर आप घर में देखें आपके आसपास की चीज़ें, कुर्सी या चेयर, इट इज़ अ 3D शेप। लेकिन अगर मैं कुर्सी का ड्राइंग बना दूं बोर्ड पे, तो ये ड्राइंग 2D शेप बन जाएगा, जबकि एक्चुअल कुर्सी जो है वो 3D शेप है। इसमें अलग अलग टाइप के पिक्चर्स हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने घर की सीढ़ियां देखी होंगी तो आपको घर की सीढ़ी ऐसे नजर आती है,
इस तरह आपकी घर की सीढ़ियां नजर आएंगी। ये इसमें ये फ्रंट पोर्शन मैं जो शेड कर रहा हूं, ये फ्रंट पोर्शन है इस तरह। ये आपकी घर की सीढ़ियां है। आप यहां 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 पैर रख के, ये दरवाजा है घर का, ठीक है। ये घर का दरवाजा, इस तरह हम चढ़ते हैं। तो अगर हम देखो, सीढ़ी जो है वो 3D शेप है, लेकिन जब हम उसको पेपर पे बनाते हैं तो वो उसका 2D प्रिंट बन जाता है। सो किसी भी चीज़ को हम पेपर पे बनाएंगे तो उसका 2D इम्प्रेशन होता है, या उसका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर 3D शेप को हम 2D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर 3D शेप को जब हम ट्रेस करेंगे या बनाएंगे पेपर पे, फ्लैट सरफेस पे, तो उसका जो अलग अलग व्यू है, यही सीढ़ी अगर आपको अलग व्यू से देखना है तो साइड से देखोगे तो आपको ऐसे नजर आता है ना। यही सीढ़ी है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, साइड से देखोगे, सामने से देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा। बिल्कुल सीढ़ी को ऐसे ऊपर से नीचे देखोगे तो ऐसे, अगर 3 सीढ़ियां हैं तो ऐसे नजर आएंगे, साइड से देखोगे तो ऐसे नजर आएगा, फ्रंट से देखोगे तो अलग नजर आएगा। तो अलग अलग जगह से देखते हैं हम, तो हर 3D शेप हमें अलग अलग तरीके से नजर आता है, अलग अलग शेप में नजर आता है। तो यही हम नेक्स्ट क्लास में भी और अच्छी तरह ट्रेस आउट करके चीज़ों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।